हेलो एवरीवन, आज हम कुछ डिफरेंट सीखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि डायोड जो है उसका हम रियल टाइम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर एंड्रॉयड फ़ोन। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन है जिसको मैं बताऊंगा। मैं एवरी सर्किट जो एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और इसमें आप अपना इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी इसमें रेडीमेड सिंबल्स या डिवाइसेस बनी हैं उनका यूज़ करके हम इसमें रियल टाइम में करंट हमारा फ्लो हो रहा है या इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म भी हम इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर सपोज। तो ये देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का आप इसमें डायग्राम देख पा रहे हैं। एक डायोड लगा हुआ है, दिस इज द डायोड। डायोड में क्लिक करता हूँ तो डायोड के सारे पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है, ये देखिए हमारा एसी सोर्स लगा हुआ है। ऊपर आप देख पा रहे हैं इनपुट एज वेल एज द आउटपुट वोल्टेज। तो व्हेन द पॉजिटिव साइकिल अपीयर थ्रू द डायोड, तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर से जो भी हमें लाइन दिख रही है वो हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, और जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है वो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है। आप देख पा रहे हैं कि जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल जाता है तभी हमारा डायोड में से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है तो करंट जो होता है फ्लो नहीं होता, क्योंकि उस कंडीशन में जो डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाता है। तो इसमें हम बहुत ही आसानी से सर्किट का जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम उसका इनपुट वेव फॉर्म आउटपुट वेव फॉर्म देख सकते हैं, सारे पैरामीटर्स हम अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। मान लो फ्रीक्वेंसी मुझे 60 हर्ट्ज की जगह 50 करना है तो हम इसको 50 हर्ट्ज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1K है, 1K में इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग जो हमारा सर्किट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम डायोड के पैरामीटर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आप घर बैठे एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल वे में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो कितना मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज जो हम दे रहे हैं तो वो हाफ वेव क्यों मिल रहा है ना। ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे, ये एनालिसिस हम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं पहले कि ये एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करनी है, उसके बाद हम डायोड का एनालिसिस करेंगे कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा अकेला, तो उसका करंट का फ्लो का डायरेक्शन देखेंगे, और उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर हम डिजाइन करेंगे। आफ्टर दिस वी विल स्टडी दी फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आप आराम से बहुत ही सिंपल सर्किटरी यूज करके डायग्राम बना सकते हैं और उसका आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म आप इजिली रियल टाइम में आप देख सकते हैं। देखिए रियल टाइम आपको यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो होते दिख रहा है, तो रियल टाइम एनालिसिस आप कर सकते हैं। इसमें हम वोल्टेज की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं वेवफॉर्म में, जैसे इसमें 100 वोल्ट लिया हुआ है पीक वैल्यू, आप चाहें तो इसमें वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है एवरी सर्किट। जैसे ही आप एवरी सर्किट सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन इस टाइप का सिंबल आपको दिखेगा, और ये एप्लीकेशन है एवरी सर्किट, ये आपको इंस्टॉल कर लेनी है। ये फ्री है, कुछ जो इसमें सर्किटरी बनी हुई है वो फ्री एप्लीकेशन में नहीं चलेगा, तो आपको सर्किट इसमें डिज़ाइन करना है खुद से, या खुद से हम इसमें सर्किट को है जो वो डिज़ाइन करेंगे। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आप एवरी सर्किट को इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का सिंबल आपको दिखेगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा इंटरफेस। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है एवरी सर्किट में। तो एवरी सर्किट में आप एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हैं जो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि करंट फ्लो का है, वोल्टेज ग्राउंड करते हैं तो उसका आउटपुट और इनपुट वोल्टेज कैसा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का एग्जांपल भी है, फुल वेव रेक्टिफायर एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के एग्जांपल्स हैं, लॉजिक गेट्स जो है उसका एनालिसिस किया हुआ है। वर्क स्पेस में हम अपना सर्किट जो है वो डिज़ाइन जो भी करेंगे वो हमारा वर्क स्पेस में दिखेगा, जो सेकेंड नंबर पर आप देख पा रहे हैं वर्क स्पेस।
वर्क स्पेस में जो भी हम सर्किट बनाएंगे इंडिविजुअली वो हमारा वर्क स्पेस में दिखेगा। कम्युनिटी मतलब हम अपने सर्किट को, अगर हमारा इसमें अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो हम उसको दूसरी जगह भी भेज सकते हैं या दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं। हम इसको बुकमार्क का ऑप्शन भी दिया हुआ है और ट्रैश का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जांपल्स, तो एग्जांपल सबसे पहला जो दिया हुआ है वो करेंट, करेंट फ्लो कैसे होता है उसको डायग्राम के थ्रू रियल टाइम में दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये करेंट फ्लो का डायग्राम आप देख पा रहे हैं। तो चलिए ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है वोल्टेज एंड ग्राउंड का। तीसरा रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ दिया हुआ है। केसीएल केवीएल भी आप इसमें इजीली रियल टाइम में आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। केवीएल का मींस किरचॉफ करंट लॉ एंड केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। रजिस्टर ट्री दिया हुआ है, टू वे लाइट स्विच भी दिया हुआ है। आप इसमें और भी सर्किट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आरसी स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, एलसी ऑसिलेटर दिया हुआ है, डायोड दिया हुआ है जो कि अभी हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, डायोड का उसका एनालिसिस करने वाले हैं। आफ्टर दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एलईडी करंट लिमिटर, एलईडी ब्लिंकर, एलईडी एरे, ट्रांसमिशन लाइन एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें दिए हुए एग्जाम्पल। तो अगर आपसे सर्किट डिजाइन करते नहीं बनता है तो एग्जाम्पल को देख के आप उसका सर्किट डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें डायोड का एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो टॉप बार दिख रहा है उसमें हमें एग्जांपल दिख रहा है, उसका सर्च बटन है, देन प्लस करके एक बटन है दिया हुआ है। तो ये प्लस करके जो हम बटन है इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारा एक ब्लैंक सर्किट डायग्राम वाला शीट क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें हम अपने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सर्किट को डिजाइन करेंगे। चलिए इसमें हम टूल्स देख लेते हैं, बहुत सारे ऊपर टूल्स दिए हुए हैं। ये देखिए एसी सोर्स सबसे पहले दिया हुआ है, फिर डीसी सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर, इंडक्टर, ग्राउंड, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, इसके बाद और भी डिपेंडेंट सोर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, टू वे स्विच, वन वे स्विच, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस दिए हुए हैं, एलईडी डायोड हमें दिया हुआ है, नॉर्मल डायोड दिया हुआ है, जेनर डायोड, इसमें फिर ट्रांजिस्टर पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके अलावा लॉजिक गेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे, तो सारे लॉजिक गेट्स आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं, सेवन सेगमेंट दिया हुआ है और 555 टाइमर्स भी दिया हुआ है। इसके अलावा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर हमारा लाइसेंस वर्जन का ये एप्लीकेशन है तो हम इसमें और भी जो है वो डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो डायोड का एनालिसिस करने के लिए हमें सिंपल सा पहले एक क्या चाहिए होगा, एक हमें डायोड चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम एक डायोड ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास डायोड है, ये हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायोड आ जाएगा और इसको हम फिंगर से टच करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे ही हम डायोड पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास कुछ बटन्स आते हैं, जैसे एक ये पाना टाइप का बटन आ रहा है, उसके बाद एक आईज है, उसके बाद एरोज बटन है, उसके बाद ये अंडो बटन है और डिलीट बटन है। तो जैसे ही हम डायोड पे क्लिक करेंगे तो ये पाना वाला बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे इससे हम डायोड की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं कुछ भी। जैसे अभी इसमें 1FA दिया हुआ है तो इसको हम 2FA ऐसा ऐसा रोटेट करके वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो अभी हम इसको 1FA ही रहने देते हैं। ये इसका सैचुरेशन करंट दिया हुआ है। अब डायोड को हम रोटेट कराने के लिए हमारे पास नीचे तीसरे नंबर का जो दिया हुआ है इसमें एरो बने हैं बहुत सारे, क्योंकि डायोड को हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करें, वर्टिकल ना करें, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बार क्लिक करेंगे तो डायोड जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मेरा सर्किट में डायोड आ गया। डायोड के बाद अब मुझे क्या लगेगा, मुझे एसी सोर्स पे देखना है कि डायोड जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे केवल काम करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल पे काम नहीं करता। मीन्स डायोड इट डज नॉट वर्क ऑन द नेगेटिव हाफ साइकिल, व्हेन द नेगेटिव हाफ साइकिल इज कम थ्रू द डायोड, सो डायोड एक्ट एज अ रिवर्स बायस कंडीशन। तो अब हमें एसी सोर्स एक लेना है, तो ये एसी सोर्स पे मैंने टच कर दिया तो ये हमारा एसी सोर्स आ गया, ठीक है। अब एसी सोर्स में भी हम सेम वही कर सकते हैं, पाना जैसा आपको सिंबल जो बना दिख रहा है इस पर हम क्लिक करके, यहाँ 1 kHz लिया हुआ है तो यहाँ पे हम जाके 1 kHz को यहाँ पे हम चेंज करके 60 Hz कर सकते हैं,
ये हम रिवर्स में गए तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे 50 हर्ट्ज भी हम कर सकते हैं, तो ये देखिए मैंने 50 हर्ट्ज कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा एसी सोर्स 50 हर्ट्ज कर दिया, ये मेरा डायोड हो गया। अब हमें एक रजिस्टर लगेगा, तो एक हम सिंपल सा एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हमने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। इसके पैरामीटर भी हम चेंज कर सकते हैं, वही सेम प्रोसेस है। अब इनको कनेक्ट कैसे करना है, तो कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एसी सोर्स का जो ऊपर वाला डॉट है उसको हम टच करेंगे, और जहां भी हमें कनेक्ट करना है, मान लो डायोड के हमें इसको इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है पहले वाले पे, तो उसको टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अब डायोड का सेकेंड टर्मिनल जो है वो हमें रजिस्टर से कनेक्ट करना है, तो डायोड के सेकेंड टर्मिनल पे टच करेंगे और रजिस्टर के टर्मिनल पे टच कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब रजिस्टर टू एसी को टच कर देंगे और इसको ग्राउंड को टच कर देंगे। तो ये जो है ये हमारा डायोड का सर्किट डायग्राम हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे वेवफॉर्म के थ्रू रियल टाइम में, कि अगर हम इसको इनपुट सप्लाई एसी दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें जो है केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, और रिवर्स में मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में वो एक्ट एज अ रिवर्स बायस कंडीशन। तो चलिए प्ले करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो पहला वाला ऑप्शन दिया है उसको हमने टच कर दिया है। ये देखिए जो टी बना आ रहा है, येलो कलर का एक एरो है उसमें एक टी बना आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो डायोड है वो वर्क कर रहा है। मीन्स हमारा सर्किट डायग्राम हमने प्रॉपरली बनाया है और प्रॉपरली कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो करंट रियल टाइम आपको फ्लो होते दिख रहा है, ठीक है। ये करंट आपको दिख रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस में हो जाता है और करंट फ्लो नहीं करता, और जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में आता है और करंट को फ्लो करता है। अब इसका हमें रियल टाइम वेवफॉर्म भी अगर देखना है तो उसके लिए हम डायोड पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम डायोड पे क्लिक करेंगे और इस आइस वाले बटन को प्रेस कर देंगे, तो ये आइस वाले बटन से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। आप देख पा रहे हैं इसमें हमने इनपुट वोल्टेज को शो नहीं किया है, इसमें केवल हम आउटपुट वोल्टेज जो है वो देख पा रहे हैं डायोड के अक्रॉस का, क्योंकि हमने डायोड पे क्लिक किया हुआ है तो ये डायोड के अक्रॉस का आउटपुट वोल्टेज हम देख पा रहे हैं। इट मींस व्हेन द पॉजिटिव साइकिल इज कम सो डायोड एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन और गिव द आउटपुट वोल्टेज। तो ये हमें आउटपुट मिल रहा है, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में जीरो है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी सर्किट का एनालिसिस रियल टाइम में कर सकते हैं, अपने एंड्रॉइड फोन पे ही कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये हो गया हमारा डायोड का एनालिसिस। हम चाहें तो रजिस्टर के अक्रॉस का वेवफॉर्म भी देख सकते हैं। अभी हमने डायोड पे क्लिक किया हुआ है और आइस पे क्लिक करेंगे तो हमें जो वेवफॉर्म दिख रहा है वो डायोड के अक्रॉस का वेवफॉर्म दिख रहा है। अब मुझे इस रजिस्टिव लोड के अक्रॉस का अगर वेवफॉर्म देखना है तो इस पे हम क्लिक करके ये आइस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, तो अब ये जो वेवफॉर्म हमें दिख रहा है ये हमारा रजिस्टर के अक्रॉस का वेवफॉर्म दिख रहा है। तो ऐसे ही हम जिसको भी टच करेंगे उसके अक्रॉस का हम वेवफॉर्म उसमें देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप आराम से सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव एज वेल एज द फुल वेव रेक्टिफायर। इसको जैसे ही हम बैक करेंगे तो वो सेव या डिस्कार्ड का पूछेगा, तो आप इसको ये जो फोल्डर तीसरे नंबर पे आपको आ रहा है ये पॉज कर दिया मैंने, और ये फर्स्ट नंबर पे येलो नीचे वाले जो हम बाहर देखेंगे उसमें येलो ट्रायंगल आ रहा है, उसके बाद एक बटन है बैक, देन उसके बाद एक फोल्डर में एरो बना हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो सेव करने के लिए टाइटल पूछेगा, तो हम इसमें टाइटल डाल देते हैं डायोड। नेक्स्ट करके इसको सेव कर देते हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और इसको नीचे सेव बटन आ रहा है इसको हम सेव कर सकते हैं।
तो अब ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है ये सेव हो गया, हम इसको कभी भी देख सकते हैं और इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम इसमें शेयर का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल, हम किसी भी एप्लीकेशन पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब ये हमें अपना जो डायग्राम हमने बनाया है वो कहाँ दिखेगा, हमें दिखेगा वर्कस्पेस में। ये देखिए वर्कस्पेस में हमें दिख रहा है, ठीक है। आप प्राइवेट की जगह इसको पब्लिक भी कर सकते हैं तो बाकी लोग भी इस डायग्राम का एनालिसिस कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप रियल टाइम में डिवाइसेस का एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये रहा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम हमारा वही रहेगा, बस हमने इसमें जो इनपुट है उसको भी शो किया है। सर्किट डायग्राम वही है, एक डायोड हमने कनेक्ट किया हुआ है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमने ली है, 1 किलो ओम का लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो जो ब्लू कलर से आपको लाइन दिख रही है ऊपर रियल टाइम में, वो आपका इनपुट वोल्टेज है, और जो ग्रीन कलर से आपको वेवफॉर्म दिख रहा है वो आपका आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस टू डायोड एंड अक्रॉस टू लोड। तो आप इस वाले डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली समझ में हमें आ रहा है कि वाई दिस इज कॉल्ड द हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मीनिंग एक्चुअली होता है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो नॉर्मली हम इनपुट में यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ डीसी मिल रहा है। डीसी कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमें केवल पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है। अगर हम सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल का पीक वैल्यू कंसिडर करें और एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो वो एक डीसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि इसको हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही काम करता है या कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है ये काम नहीं करता। तो इस तरीके के सर्किट आप आसानी से देख के बना सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये, और इससे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है कि वर्चुअल लैब में हम कैसे सर्किट डायग्राम को बनाएंगे, कैसे उनका हम आउटपुट वेवफॉर्म देख पाएंगे और कैसे हम किसी भी रेजिस्टर, डायोड या एसी सोर्स का एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं, आप बिल्कुल सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, बिकॉज इट इज वर्क ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, it is not work for the negative half cycle, so this is called the half wave rectifier. ab full wave rectifier ke liye mujhe kya karna padega, chaliye dekh lete hain. ye hamara half wave rectifier ho gaya, ab hum dekhte hain full wave rectifier. isme description mein likha hua hai rectifier is a circuit designed to convert ac means alternating current to dc means direct current. It is also called AC to DC converter. In a half-wave rectifier, the diode allows the current to flow only during the positive half cycle of the AC wave. When the input voltage is negative, the diode blocks the current, means diode jo hai wo reverse bias mein aa jata hai. Although the resulting current is unidirectional, only half of the input AC wave reaches the output. ऑलरेडी मैंने आपको डायोड का डेफिनेशन बताया है कि डायोड इज अ टू टर्मिनल यूनिडायरेक्शनल अनकंट्रोल्ड डिवाइस। तो इस वाले डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान हो जाती है कि व्हाई इट इज कॉल्ड द हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए हम मूव करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में डेफिनेशन सेम टू सेम रहेगी कि रेक्टिफायर सर्किट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। बट फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारा हाफ नेगेटिव वेव था जिसमें जो हमें आउटपुट में नहीं मिल रहा था, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं डायोड्स का कि हमें वो भी आउटपुट में मिलने लगता है, मीन्स हमें फुल वेव्स आउटपुट में मिलने लगती है। सो इट इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफायर। अ फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्टर और कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डायरेक्ट करंट डीसी। द डायोड ब्रिज सर्किट इज वन implementation of full wave rectifier. During positive half of AC wave, only two of the four diodes allow
the current to pass through a resistor. During negative half cycle or negative waves, the other two diodes allow the current to pass through the resistor. The diodes are arranged such that the circuit through the resistor is unidirectional. चलिए हम देखते हैं इसका एनिमेशन. तो ये रहा हमारे पास सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम को हम थोड़ी देर के लिए पॉज करके समझ लेते हैं. इसमें क्या किया है हमने, इसमें ये जो सर्किट है इसको हम बोलते हैं ब्रिज सर्किट. ब्रिज सर्किट हमने इसमें ड्रॉ किया है. इसमें हमने फोर डायोड यूज किए हैं, डायोड T1, D2, D3 एंड D4. तो पहला वाला जो कंडीशन रहेगा उसमें डायोड जो है D1 और D3 कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 जो है वो कंडक्ट करेगा. चलिए हम देखते हैं कि इसमें करंट फ्लो आपको रियल टाइम में होते हुए दिखेगा, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान रहेगी कि कैसे जो है करंट का फ्लो होता है, किस डायोड से करंट जाएगा. ये देखिए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक ऊपर वाला डायोड है, मीन्स D1 अगर हम इसको माने या D2 हम माने, D2 और D4 वर्क कर रहा है हमारा, ये D2 और D4. जब करंट फ्लो होता है तो हमें पाथ दिख रहा है सर्किट का कि कौन से पाथ से जो है वो करंट फ्लो होगा. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने डायोड को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है, या एंटी पैरेलल हमने इनको कनेक्ट किया है, इसको हम ब्रिज अरेंजमेंट बोलते हैं. तो ये वाला सर्किट डायग्राम आप इसमें से देख के खुद डिजाइन कर सकते हैं, और इसका आउटपुट वेवफॉर्म आप इस तरीके से देख सकते हैं. तो इसमें जो हमारा ब्लू वेवफॉर्म दिख रहा है वो हमारा इनपुट वोल्टेज है, और जो ग्रीन कलर का वेवफॉर्म हम देख पा रहे हैं वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है. इनपुट वोल्टेज इज अ एसी वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इज अ डीसी वोल्टेज. तो देखिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो डायोड D2 और D4 कंडक्ट करते हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 और D3 जो है वो कंडक्ट करता है. तो हमें आउटपुट में फुल वेव्स मिलती हैं, मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी. सो दिस इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट. इसमें हम पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं. अभी इसमें 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को जाके हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज इसलिए रखी है क्योंकि आपको जो वेवफॉर्म है वो थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडिंग रहे. अगर हम इसकी 50 हर्ट्ज कर देंगे फ्रीक्वेंसी, तो वेवफॉर्म काफ़ी जल्दी जो है वो होगी, जल्दी जल्दी मूव होगी. ये देखिए 50 हर्ट्ज कर दिया मैंने, तो ये वेवफॉर्म में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, तुरंत ही इस पर रियल टाइम में जो है वो चेंज हो जाता है. 50 हर्ट्ज कर दिया है मैंने फ्रीक्वेंसी को. हम लोड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि लोड की वैल्यू चेंज करने से वेव फॉर्म पे क्या इफेक्ट होगा, ये हम देख सकते हैं. तो देखिए, लोड की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ यहाँ से. ये सेटिंग पे पहले जाएंगे, ये 1 किलो ओम की जगह मैंने यहाँ पे लोड को बढ़ा दिया, कर दिया मैंने यहाँ पे 6 किलो ओम. तो ये देखिए वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा. जो आउटपुट वोल्टेज है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लोड. तो ऐसे ही हम सारे पैरामीटर को चेंज कर करके देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंज आएगा. इसको अभी हम 1 किलो ओम ही कर देते हैं. ये देखिए, ये 1 किलो ओम हमारा हो गया. तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, रियल टाइम में उसका वेव फॉर्म देख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि करंट का जो पाथ है, करंट फ्लो का पाथ है, वो किस डायरेक्शन में होगा. और इसमें और भी कई सारे एग्जांपल दिए हुए हैं जिनसे आप जो है वो सर्किट डायग्राम बना सकते हैं. और अगर आपको एग्जांपल नहीं यूज़ करना है, तो आपके पास अगर कोई अपना सर्किट डायग्राम है तो आप वो भी इसमें सर्किट डायग्राम बना के उसको एनालाइज कर सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है यह, हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल एनिमेशन हम इसमें सर्किट का बना सकते हैं, और उसके इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करेंट, आउटपुट करेंट, सारे जो पैरामीटर हैं उनको ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं.
और इसको हम सेव कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग ड्रॉ करिए, इसमें डायोड का एनालिसिस कीजिए, एलईडी का एनालिसिस कीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसमें और भी डायोड दिए हुए हैं उनके आप एनालिसिस कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा आपको ये करने में। क्योंकि सभी के पास चूंकि एंड्रॉयड फ़ोन होता है, एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो बहुत ही आसानी से, और जो एप्लीकेशन है ये भी फ्री है। कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें नहीं प्ले कर पाएंगे क्योंकि वो लाइसेंस वर्जन या पेड वर्जन में ही अवेलेबल रहेंगे, बट आपके लिए जो सर्किट डिज़ाइनिंग का है उसमें आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशन नहीं है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आप पेड वर्जन होगा तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो पेड वर्जन यूज़ करे, आप फ्री वर्जन में ही काम करके देखिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो ही इसको पेड करिए, वैसे पेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मली जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें ही इसका यूज़ करके सर्किट डायग्राम को बनाइए और एनालिसिस कीजिए। सो एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।